हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, हमने जो एक्सरसाइज अपने जो 3.2 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो 3.3 एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको जो बेसिक अपना जो डिविजिबिलिटी रूल है आज हम उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया तो आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप कैलकुलेशन को बड़ी इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है टू का। देखो स्टूडेंट, टू का जब हम देखते हैं कि वो हमारे पास कोई भी नंबर दिया होता है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा टू से डिविजिबल है या नहीं? आपको इसमें क्या देखना है स्टूडेंट, कि जो हमारा यूनिट प्लेस होता है। सो स्टूडेंट, जो हमारा यूनिट प्लेस होता है उसके जो यूनिट प्लेस आपको पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, वो हमारा क्या होता है यूनिट प्लेस, उसमें हमारा जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो और एट हो, ये सारे नंबर हमारे जब यूनिट प्लेस में आ जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल लेते हैं, वन टू फोर सिक्स, आपके पास ये नंबर दे दिया, ठीक है। आपको इसको इसमें क्या देखना है कि जो इवन नंबर है हमारा, जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स है या एट है, ठीक है। यदि ये हमारा सिक्स है यहाँ पे, सो ये हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। सो स्टूडेंट, ये हमारा कम्प्लीटली टू से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं स्टूडेंट, ऐसे कर लेना आप, वन टू फोर सिक्स को टू से करके देखना, टू टू सिक्स जा ट्वेल्व और ये हमारा फोर, टू टू जा फोर और हम यहां से लेंगे टू थ्री जा सिक्स। सो स्टूडेंट, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, टू से डिविजिबल होगा। आपका लास्ट में सिक्स है, एट है, फोर है, टू है या जीरो है। सपोज करो दूसरा एग्जांपल यदि हम लेते हैं हंड्रेड, सो स्टूडेंट हंड्रेड में हमारा क्या है, जीरो, तो ये भी टू से डिविजिबल है। सो स्टूडेंट, ये हमारा यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस हमने क्या देखा था इधर सिक्स, ये हमारा क्या है यूनिट प्लेस, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड। ओके, कितना ही बड़ा नंबर दे दे लेकिन यूनिट प्लेस पे ये डिजिट होंगे तो आपका वो टू से डिविजिबल होगा। लेट मी सी अवर रूल, रूल फॉर थ्री। थ्री के लिए क्या है स्टूडेंट, थ्री में क्या होता है कि जब कोई भी नंबर है वो हमें कैसे पता चलेगा कि थ्री से वो डिविजिबल है या नहीं है। सपोज उसमें क्या होता है, आपके पास जैसे वन टू थ्री फोर और वन टू थ्री फोर और टू, ये आपके पास कोई भी आपके पास एक नंबर दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको कैसे पता चलेगा थ्री से डिविजिबल है या नहीं, आपको इसमें क्या करना है कि जो आपके जितने भी डिजिट दिए हैं इन सम का हम सम कर लेंगे। सबका सम करेंगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस टू, वन और टू थ्री, थ्री सिक्स और फोर टेन और टू ट्वेल्व। सो स्टूडेंट, जो ही इनका सम करने के बाद जो हमारा ये नंबर निकल के आएगा, ये मल्टीपल होना चाहिए किसका, थ्री का। तो थ्री के टेबल में आता है थ्री फोर जा ट्वेल्व। सो स्टूडेंट, ये पूरा नंबर यदि ये ट्वेल्व थ्री से डिविजिबल है, सो ये पूरा जो होल नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट आपको ये नंबर दिया हुआ है, ये संख्या आपको दी हुई है, ये आपका थ्री से डिविजिबल होगा। ये आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी थ्री। अब ऐसे हम फोर का देखते हैं कि हमारा हमें कोई भी नंबर दे दे, छोटी संख्या को तो सभी सिंप्लीफाई कर लोगे, लेकिन आपको बड़ी जो बड़ा आपको नंबर दिया रहता है उसको हम वो डिविजिबिलिटी रूल उसके अंदर आ रहा है तो उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। सो स्टूडेंट, जो फोर होता है, फोर में आपको क्या देखना है कि आपके जो लास्ट तीन डिजिट होते हैं यहाँ पे वन फोर फोर, सो स्टूडेंट ये जो हमारे लास्ट के तीन डिजिट होते हैं ये हमारे चार से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। सो हमारा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, फोर से डिविजिबल हो जाएगा। और आप इसके अंदर क्या होता है कि जो मोर देन थ्री या आप टू डिजिट भी ले सकते हो, जैसे इसमें क्या है 44 है, ये फोर से डिविजिबल है, फोर फोर वन जा फोर, ये इलेवन। सो आपके पास कोई भी ऐसा नंबर आ जाए सेवन थ्री टू, तो आपके पास ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, फोर से। आप करके देख लो, वन फोर फोर है, आपको इसको आपने लास्ट के दो डिजिट देखे स्टूडेंट,
सो फोर बन जा फोर, थ्री थ्री, फोर फोर एट जा थर्टी टू, वन टू थ्री पे चला जाएगा, ऐसे वन ये नहीं जा रहा है, फिर ये फोर थ्री जा ट्वेल्व, अब टू फोर सिक्स जा ट्वेल्व, ट्वेंटी फोर। सो स्टूडेंट ये पूरा नंबर भी किससे गया है, फोर से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फाइव का देखो स्टूडेंट, फाइव में क्या होता है, फाइव का बड़ा इजी है कि जब जीरो और फाइव यूनिट प्लेस पे ये दो नंबर आपको मिलेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइव से डिविजिबल होगा। देखो टू के अंदर हमने क्या देखा था, इसमें जीरो था और फाइव नहीं था। ओके स्टूडेंट, लेकिन जीरो और फाइव आ जाएगा तो फाइव से होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे 155 ले लेती हूँ, इसको आप फाइव से करोगे डिवाइड तो क्या आएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और फाइव वन जा फाइव, सो कम्प्लीटली डिवाइड है। ऐसे आप 100 ले लो, 100 क्या हो जाएगा, फाइव टू जा टेन और जीरो। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा फाइव का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम आते हैं जो हमारा सिक्स का होता है। सिक्स में आपको क्या करना है कि जो हमारे जो टू से भी डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई टू एंड थ्री, जो टू से भी डिविजिबल हो और थ्री से भी डिविजिबल हो, वो हमारा वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, वो हमारा हो जाएगा सिक्स से। ओके स्टूडेंट, जो दोनों से डिवाइड हो, जैसे आप एक छोटा नंबर ले लो, ट्वेल्व आपने लिया है तो ये टू से भी डिवाइड है और थ्री से भी। ओके स्टूडेंट, ऐसा नंबर लेना, और टू और थ्री का आपने रूल ऊपर पढ़ा ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा जो सेवन का है, चलो सेवन का कर लेते हैं, पहले एट का कर लो। एट के अंदर देखो, एट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा यूनिट प्लेस होता है उसमें जो हमारे लास्ट के चार डिजिट होते हैं, सपोज करो मैं आपको बताती हूँ, जैसे सेवन टू थ्री टू फाइव, यहाँ पे फोर ले लो आप, ये जो चार डिजिट है यदि ये एट से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर किससे हो जाएगा, एट से डिवाइड। सो आप इसमें करके देखो, टू थ्री टू फोर, एट थ्री जा तो ज्यादा हो जाएगा, टू जा पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवन और टू, एट नाइन जा सेवेंटी टू। अभी हमारा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा ये पूरा डिजिट एट से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, सो आपको ऐसा कोई भी चार डिजिट हो जो जिसका आप जो लास्ट के फोर है डिजिट, उनको आप एट से डिवाइड करके देखना, यदि वो होता है तो वो आपका एट से पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। जैसे ये नंबर अभी नहीं हो रहा है, ऐसे और कोई आप नंबर लेके करके देख सकते हो। अभी नाइन का देखो स्टूडेंट, नाइन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो कोई भी नंबर दिया हुआ है, नाइन का देखो स्टूडेंट, नाइन का ये फाइव का था, ये सिक्स का था, ये एट का था, नाइन का देखो स्टूडेंट, नाइन के अंदर क्या होता है, जब हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमारे पास सपोज करो टू थ्री फोर फाइव ये नंबर है, और जब हम इनका सम करते हैं, सम करते हैं और वो नाइन का मल्टीपल होता है तो वो नाइन से डिविजिबल होगा। थ्री और टू फाइव, फोर फोर नाइन, और फाइव फाइव फिफ्टीन, तो ये नहीं होगा। फिफ्टीन और यहाँ पे मैं थ्री और लगा लेती हूँ सपोज करो, तो फिफ्टीन और थ्री कितना हो जाएगा, एट, टू प्लस थ्री फाइव, फोर फोर नाइन, और फोर फाइव थ्री एट, और ट्वेल्व फिफ्टीन सिक्सटीन, आप भी नहीं होगा ये, ठीक है नहीं होगा। अभी आप वन और लगा के देखो इसके अंदर, वन और टू कितना होता है, थ्री, थ्री थ्री सिक्स, और फोर फोर्टीन, और फाइव नाइनटीन, ये ट्वेंटी टू है, अभी भी नहीं हो रहा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फाइव फोर लगाओ, अब इसका सम करके देखो, वन प्लस टू प्लस थ्री, ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इनका सम यदि नाइन के मल्टीपल में आ रहा है, नाइन के टेबल में आ रहा है, तो वो नाइन को पूरा नंबर डिविजिबल करेगा। ओके नाइन से होगा, तो वन और टू थ्री, थ्री सिक्स, और फोर टेन, और फिफ्टीन, फिफ्टीन और थ्री एटीन, एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री। अभी भी नहीं हो रहा, ट्वेंटी थ्री। अब आप कोई ऐसा नंबर ले लो, फोर और इसके अंदर ऐड कर लो, फोर प्लस फोर कर लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये मेरा क्या है, नाइन थ्री जा कितना होता है, ट्वेंटी थ्री। तो आपके पास जो ये नंबर है ना,
ये पूरा, 5 के बाद 4, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 9 से. ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम 10 का. 10 का क्या होता है स्टूडेंट? 10 के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 10 से डिविजिबल होगा. जैसे 20 है, 30 है, 40 है, यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो 10 से होगा. ओके स्टूडेंट, सो ये हमारे कुछ डिविजिबिलिटी रूल थे. और इसके अलावा मैं आपको 11 का भी बता देती हूँ और 7 का भी. सो स्टूडेंट, जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा ट्रिकी वे में आप देखना. स्टूडेंट हमारे पास इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर दे दिया आपके पास 2, 6, 8, 7. ओके, अच्छे से समझना स्टूडेंट. इसमें जो हमारा लास्ट जो यूनिट प्लेस है उसको लेके हम उसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 7. जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमारा ये 14 आया है, जो हमारा रेस्ट नंबर यहाँ पे बच गया 268, इसमें से हम 14 को कर देंगे माइनस. ओके स्टूडेंट, सो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 4, 5 और 2. ठीक है स्टूडेंट, हमारा 254 आ गया. अब हमारा जो 254 आ गया, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट फिर से हमें इसमें से क्या करेंगे, 4 इसका जो यूनिट प्लेस है इसको ले लेंगे. हमें कहाँ तक निकालना है इसको, जब तक ये हमारा सिंगल डिजिट या 2 डिजिट का न हो जाए. सो स्टूडेंट हम इसमें फर्दर क्या करते हैं, 254 में से जो हमारा 4 यूनिट प्लेस आया है इसको हम फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसमें से फिर वही करेंगे, वही प्रोसीजर रहेगा, 2 से करेंगे हम मल्टीप्लाई. ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 का क्या आ जाएगा. सो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा इसको फिर फर्दर 2 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आ जाएगा. रेस्ट नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपका क्या आ जाएगा, 7 और 17 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा 7 के टेबल में नहीं आ रहा. ऐसे आप कोई और नंबर लोगे, सपोज करो यहाँ पे हमारा 21 आ जाता तो वो हमारा क्या होता, 7 से डिविजिबल होता. सो स्टूडेंट ऐसे हमारा क्या निकल के आ जाता, 7 का डिविजिबिलिटी रूल. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, जो रूल है 11 के लिए वो देखो. 11 के लिए स्टूडेंट क्या होता है, इसके अंदर सपोज करो मैंने कोई नंबर ले लिया 5016 या आप 3016 ले लो, कुछ भी ले लो आप. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 5016 ले लिया है, यहाँ पे रेंडम लिया 4016 ले सकते हो. ओके स्टूडेंट, 4016 मैंने ले लिया स्टूडेंट. इसमें क्या करते हैं हम इसमें इसको इसको सम करते हैं, इसको इसको सम करते हैं. ओके स्टूडेंट, मतलब एक एक छोड़ के. सो स्टूडेंट 4+1 कितना होता है, 5, और 0+6 क्या हो जाएगा हमारा, 6. ओके स्टूडेंट, अभी हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. आप यहाँ पे 6 ले सकते हो, थोड़ा बड़ा नंबर लेना है. 6+1 क्या होता है, 7. ओके स्टूडेंट, अब मेरा यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे मेरा निकल के आ गया 1 आ गया. ठीक है स्टूडेंट, सो हमारे इसमें क्या होता है कि यदि मेरा यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाता है या फिर हमारा 11 का मल्टीपल आ जाता है. सो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा. एक एग्जांपल, जैसे मैं 5016 ले रही थी, इससे करके देखो इसमें क्या होता है, 5+1 कितना हो जाएगा, 6, और 0+6 क्या हो जाएगा, 6, और फिर इन दोनों को हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट तो ये हमारा पूरा नंबर किससे, 0 आ गया यूनिट प्लेस पे. जब 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड होगा. सो स्टूडेंट ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल, और इसके बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.